सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वारदात के 18 दिनों के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पंजाब पुलिस ने अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेने के बाद पंजाब पुलिस ने अपने तफ्तीश की रफ्तार भी बहुत तेज कर दी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अब तक पुलिस की पड़ताल में जो कुछ सामने आया उसको सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने अपनी इस स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज किया और इस रिपोर्ट का खुलासा है कि सिंगर की हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी से पुलिस को जो पेट्रोल पंप की एक पर्ची मिली थी जिसने सबसे पहले पुलिस को कातिलों के टोले तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। इसके अलावा इस स्टेटस रिपोर्ट का खुलासा ये भी है कि 29 मई 2022 को कैसे और किसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की, किसने शूटरों को किस तरह से ग्रीन सिग्नल दिया और घर के थोड़ी ही दूर जाने के बाद कैसे कातिलों ने घेर कर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि स्टेटस रिपोर्ट में दो नई बातें सामने आई हैं। पहला खुलासा ये कि शूटरों को एक वीडियो कॉल के जरिए ग्रीन सिग्नल मिला था और ये दूसरा कि पुलिस को एक पेट्रोल पंप की पर्ची मिली थी जिसके जरिए पुलिस पेट्रोल पंप तक पहुँच कर वहां से सीसीटीवी फुटेज बरामद करने के बाद धरपकड़ करने के लिए निकली थी। स्टेटस रिपोर्ट ये कहती है कि 29 मई को करीब 5 बजे शाम को सिद्धू मूसेवाला अपने थार पर सवार होकर अपने दो दोस्तों गुरविंदर और गुरप्रीत के साथ निकले थे। ये तीनों दरअसल सिद्धू मूसेवाला के एक रिश्तेदार को देखने के लिए जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला खुद अपनी महिंद्रा थार को ड्राइव कर रहे थे। गुरप्रीत उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था जबकि गुरविंदर पीछे की सीट पर बैठा था। सिद्धू मूसेवाला जैसे ही अपने घर से बाहर निकले तो वहां पर उनके फैंस की मौजूदगी थी जो उनकी एक झलक पाना चाहती थी। अपने फैन को वहां देखकर सिद्धू मूसेवाला ने गाड़ी रोकी और उनके साथ मेल मिलाप करके सेल्फी लेने लगे और फैन से फुर्सत मिलते ही सिद्धू मूसेवाला फौरन जवाहर के गाँव की तरफ बढ़ गए। सिद्धू मूसेवाला जैसे ही अपने घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि एक टोयोटा कोरोला कार उनके थार के पीछे लग गई और घर से कुछ ही दूरी पर एक गली के मोड़ पर बोलेरो गाड़ी भी थार के पीछे दिखाई दी। जवाहर के गांव के पास एक मोड़ पर जैसे ही सिद्धू मूसेवाला ने अपनी थार की रफ्तार धीमे की, पीछे पीछे चल रही कोरोला गाड़ी ने ओवरटेक करके थार को टक्कर मारते हुए कोरोला कार को थार के आगे अड़ा दी। इससे पहले ही सिद्धू मूसेवाला और उसके दोनों साथी कुछ समझ पाते कोरोला कार और बोलेरो पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और फिर बोलेरो और टोयोटा कोरोला गाड़ियों पर सवार होकर हमलावर वहां से फरार हो गए। थार को टक्कर मारने की वजह से कोरोला गाड़ी का दरवाजा बुरी तरह से डैमेज हो गया था जिससे गाड़ी को तेज भगाने में बदमाशों को दिक्कत आने लगी। तब बदमाशों ने रास्ते में जा रही अल्टो कार को हथियार दिखाकर रोका और उसे लूट लिया और फिर बदमाश उसी अल्टो कार पर सवार होकर खारा बरनाला की तरफ भाग गए थे। काला गांव से करीब 13 किलोमीटर दूर पुलिस को तफ्तीश के दौरान वो अल्टो कार भी लावारिस हालत में मिली थी। इस हत्या की खबर के बाद सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और सचिन थप्पन के हैंडल से ऐसी पोस्ट की बाढ़ आ गई थी जिसमें सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी ली गई थी। उन्हीं के पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि इस हत्या के पीछे विकी मेदुखेड़ा और गुरलाल बरार की मौत का बदला लिया गया है। फिलहाल अभी भी पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है।